हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आ गई हूँ मैं एक थोड़े डिफरेंट वीडियो के साथ में। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने जो मैक्सी ड्रेसेस हैं उसका कलेक्शन। सारे तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट कुछ जो मेरे फेवरेट हैं वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जो ये सब पहला ड्रेस है, तो इस वाला ड्रेस को लेकर मुझे ना थोड़ा सा डाउट था कि ये मुझे फिट आएगा या नहीं आएगा। एक्चुअली पहले से थोड़ा वेट तो मैंने गेन किया ही हुआ है, तो बट ये जब मैंने पहली बार पहना था ना, तो ये मुझे लूज़ था। और इसका फैब्रिक ऐसा है ना, ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है और काफ़ी थिक है। काफ़ी थिक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इसे। इसका वेट काफ़ी हो जाता है इस गाउन का, तो इसे मैंने एक पार्टी के लिए लिया था, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये है मेरा पहला गाउन। और ये मैं दूसरा गाउन दिखा रही हूँ, ये अपने एक फ्रेंड की शादी के लिए मैंने लिया था। ये भी काफ़ी हैवी और पार्टी वेयर गाउन है। इसका जो लुक है ना, वो थोड़ा सा वो जो प्रिंसेस वाला जो गाउन होता है ना, वैसा लुक है। सामने पूरा इसमें पर्ल का काम है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया था, क्योंकि इसको पहनने के बाद ना थोड़ा सा ना अच्छा सा फील होता है। तो ये मैं दिल्ली में एक बुटीक से लिया था। इसका प्राइस जो है मुझे लगता है अराउंड 5000 के अराउंड, मुझे जहाँ तक पता है 5 के प्लस ही होगा, 5 के नीचे नहीं होगा। तो काफ़ी टाइम बाद पहनने से मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे थोड़ा सा टाइट हो रहा था, इसीलिए भी मुझे लगता है 3 से 4 साल के अराउंड हो ही गए होंगे। फिर ये मेरा आता है थर्ड मैक्सी ड्रेस है ये, और बाकी दोनों के बाद में ना पहनने के बाद जब मैंने इसे पहना तो मुझे काफ़ी लाइट फील हुआ। ये वाला ड्रेस मैंने किसी मॉल से एंड ब्रांड का है ये, तो वहाँ से लिया था। और इसका प्राइस मुझे उस टाइम पर अराउंड 2500 के अराउंड आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है अभी, क्योंकि इससे भी थोड़ा टाइम हो चुका है। इसके बाद ये वाला ड्रेस है, और ये ड्रेस ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है ना, ये बहुत हल्का है। अगर आप पार्टी वेयर के भी पहनते हो ना इसको, तो इतना हल्का फील होता है। और ये देखिए, इसमें नीचे नीज के नीचे जो है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें ऊपर थिक जो अस्तर जो रहता है, इनर जो रहता है, वो नीज तक ही है, बाकी नीचे ट्रांसपेरेंट है। और इसमें जो ये सीक्विन का काम है ना, ये मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्रेस मुझे 1000 के अराउंड आया था, और मुझे ब्रांड नहीं पता ये कौन सा है, मैंने किसी मॉल से ही ले लिया था, मुझे याद नहीं है ठीक से। और ये वाला जो ड्रेस है, इसके बारे में बता दूं कि ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और इसे मैंने काफ़ी पहना है, काफ़ी मतलब कहीं भी रेगुलर किसी कुछ छोटे मोटे काम के लिए भी जाना है, नॉर्मल शॉपिंग के लिए जाना है, ग्रोसरी के लिए जाना है, तो मैंने इसे काफ़ी पहना हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसे इंक्लूड कर लिया है। और ये मुझे ठीक से याद नहीं है, बट 1000 के नीचे ही ये ड्रेस आई थी, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। और ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने लास्ट ईयर ये लिया था, तब मैं प्रेग्नेंट थी, और मुझे ये ना डिस्काउंट पे बहुत अच्छा मिल गया था। ये मैंगो ब्रांड का जो ड्रेस है, और जनरली मैंगो ब्रांड के कपड़े ना थोड़े से महंगे आते हैं, और मुझे इसमें साथ 70-80% के आसपास डिस्काउंट मिला था। और उसके बाद भी मैंने इसके लिए 1150 रुपीज़, मुझे इसकी प्राइस याद है, पे किया था। और तो उसके बाद ये मैंने एक बार बीच में पहना, बट मुझे ना ये इसकी फिटिंग आई नहीं थी, बहुत टाइट हो रही थी, क्योंकि पूरी बॉडी हगिंग ड्रेस है। बट मैंने आज पहना तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से आ जा रहा है, और मैंने इसे अभी तक पहना नहीं है। इसमें अभी टैग वैग वैसे ही लगा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में कहाँ पहनने जाएंगे, इसलिए पड़ा हुआ ये ड्रेस। और इसके बाद ये वाली ड्रेस जो है ना, ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना हुआ, और इसीलिए वो मुझे लग रहा 2-3 साल से ऊपर हो चुके हैं। और ये जो ड्रेस है, ये है फॉरएवर न्यू ब्रांड से। तो फॉरएवर न्यू ब्रांड के जो कपड़े होते हैं ना, वो थोड़े से महंगे होते हैं, और लेकिन बस इसके डिज़ाइन और इसके ना बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने लिया था ऐसे समर लुक के लिए, कि समर टाइम में कहीं पहनने हैं, कहीं बीच साइड घूमने गए हो तो वहाँ पहन लो, बट मुझे ना ये मौका नहीं मिल पाया कि मैं इसे पहनूँ। और ये ड्रेस ना मतलब जिस टाइम पे मैंने लिया था, उस टाइम बिल्कुल न्यू अराइवल था, इसके वजह से ना मैंने इसके लिए अच्छा खासा पे किया था। ये एक्चुअली जैको भी बहुत पसंद आया था, दोनों ने दिलाया मुझे, और ये मुझे 6000 के अराउंड आया था। बट ये वाली ड्रेस मैंने बाद में चेक किया था ना ऑनलाइन, तो उसमें काफ़ी डिस्काउंट आ गया था, 50% के अराउंड डिस्काउंट आ गया था, तो मुझे ना बहुत बहुत बुरा फील हुआ था। एनीवेज, ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, और अभी भी मुझे पहन के काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद आते हैं ये वाली ड्रेस। ये ड्रेस अगर आपने मेरे पुराने हॉल वीडियो देखे हो
तो वहाँ देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मैक्स का हॉल किया था, तो ये मैंने मैक्स से ये ड्रेस लिया था, कुछ दिन पहले ही लिया था। और ये सब समर के लिए मैंने पहनने के लिए हल्के फुल्के, जैसे कहीं आसपास जाना है ग्रॉसरी के लिए जाना है, कभी मतलब छोटे मोटे काम के लिए घर से बाहर निकलना है, तो उसमें वो पहन लो ड्रेस तो काफ़ी ईजी और काफ़ी हल्का होता है, काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं इस तरह के कपड़े। और ये भी मुझे शायद 800 या 900 के आसपास मुझे ये ड्रेस मिला था। इसका तो लिंक भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ आप लोगों को, और अगर मेरे पुराने हॉल वीडियो में आप जा कर के चेक करो तो वहाँ पर आपको ये ड्रेस का पूरा डिटेल, पूरा रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ ही ये जो ये वाला ड्रेस भी है, ये भी मैंने साथ में लिया था उसके, ये भी मैक्स से ही है, और सेम वही पर्पस इसका भी यही था कि समर लुक है, फ्लोरल प्रिंट्स है, और मुझे मैंने इसे एक दो बार पहना भी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स तो मुझे काफ़ी मिलते हैं इसको लेकर के, और काफ़ी हल्का फुल्का है तो आप इसे ईजिली कहीं भी पहन सकते हो। और ये भी जो प्राइस है इसकी, मुझे लगता है कि ये मुझे 700-800 के अराउंड ही आया था, और इसका भी सेम रिव्यू आपको मेरे उसी पुराने वाले हॉल वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। कुछ अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोग पसंद करते हैं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगी, क्योंकि ड्रेसेस अभी भी हैं मैक्सी ड्रेसेस पड़े हुए जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।